फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस टॉपिक को देखने के बाद और भी अच्छा लगेगा। ये जाएगा भाईजैक सिटी है, नियर आरके बीच। पीछे आपको वे ऑफ बंगाल का जो सीनरी है ये देखने को मिल रहा है। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। ये एक रियल सबमरीन जो इंडियन नेवी का द्वारा एक टाइम कंप्लीट यूज में था। इसका नाम है INS कुरसुरा। जो अब रिटायर्ड होने के बाद 2002 से इस सबमरीन को पब्लिकली म्यूजियम बना के रखा। और ये सबमरीन जो है इंडिया और साउथर्न एशिया में एकमात्र रियल सबमरीन जो म्यूजियम है। इसको देखने के लिए मैं और मेरा सन अर्जुन बहुत ही उत्साहित है। ये एक टाइम पे समुद्र का गहराई में नेवी का लोग चलाते थे। इसके अंदर का पूरा कहानी बताऊंगा, दिखाऊंगा साथ में। चलिए, दोस्त, जो लोग मेरे चैनल में एकदम नए हैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग टूर ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्त, इनका जो टिकट है पर हेड 40 रुपीज़ है। फोटोग्राफी के लिए अलग टिकट देना पड़ता है 40 रुपीज़, और वीडियो फोटोग्राफी के लिए लगभग 200 रुपीज़। अब इसके साथ साथ एक पार्क भी बनी हुई है। इस पार्क में आपको टॉर्पीडो भी मिलेगा। इसमें बोर्ड में आप इसकी हिस्ट्री देख पा रहे होंगे। इसके साथ साथ इसका अंदर दिखाते दिखाते आपको INS कुरसुरा के बारे में बहुत सारे तथ्य आप लोगों को बताऊंगा या आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये आंध्र प्रदेश का उस टाइम का जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने इनॉग्रेट किया था 9 अगस्त 2002, यानी कि लगभग 21 साल पहले। ये एक रियल सबमरीन है जो एज ए म्यूजियम अभी पब्लिकली ओपन है। ये भाईजैक सिटी का एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। एक्सटीरियर जैसे आप देखे हैं उससे ज़्यादा खूबसूरती या ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट जो है इंटीरियर साइड में आपको मिले। वेदर अगर अच्छा है तो आपको यहीं से खड़ा होके वे ऑफ बंगाल का डॉल्फिन नोज आप देख सकते हैं। एक अच्छा नजारा आपको मिल जाएगा। ये सबमरीन का अंदर घुसते ही एक दूसरा टाइप का सेंस आपको लगेगा। आप समझ ही नहीं सकते इसके अंदर इतने सारे अलग अलग 7 कंपार्टमेंट है। टॉर्पीडो इसके अंदर है जहां से मिसाइल लॉन्च कर किया जाता था। साथ में कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम सपोर्ट एंड एक्शन टू टारगेटेड फायर। यहां कोई गाइड को देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि आपको कोई बताने वाला नहीं है। वहां कुछ बोर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। अंदर का जितना सारे हिस्सा पूजा पार्ट्स है सभी ओपन है, कबाड़ नहीं है। यहाँ का जो एंट्री हम लोग किया था
वो पब्लिकली था, जो मेन एंट्री आपको देखने को मिला एक सीढ़ी का ऊपर से हॉल का द्वारा सीढ़ी में नीचे उतारना पड़ता था, क्योंकि जो अभी पब्लिकली सीढ़ी बना दिया गया देखने के लिए, ये तो पानी का नीचे रहता था। आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइए कैसे लग रहा है ये रियल सबमरीन आप लोगों को देखने में। बहुत कम स्पेस में हर एक चीज़ को यहाँ सेटअप किया गया है। ये कैप्टन्स केबिन है, देखिए कितना कम स्पेस में बनाया गया है। एग्जीक्यूटिव पे भी अलग केबिन है, रेस्ट के लिए भी अलग अलग छोटा छोटा केबिन बना हुआ है, जहाँ रेस्ट करना पड़ता था, क्योंकि ये महीनों भर समुद्र से नीचे चलता था। जो लोग भी यहाँ घूमने जाते हैं, सभी अपना याददाश्त के लिए फोटोग्राफी लेते हैं। जब भी कभी मौका मिलेगा आप लोगों को भाईजैक जाने का, तो जरूर ये सबमरीन म्यूजियम देख के आइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये कमीशन हुआ था इसमें सबमरीन का 18 दिसंबर 1969, लगभग 34 ईयर सर्विस देने के बाद 2002 में रिटायर हुआ। और एज ए रियल सबमरीन म्यूजियम इंडिया बल्कि साउथ एशिया में एकमात्र है। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे छोटा सा किचन पार्ट भी है। दोस्त इसके इनसाइड में जो ओपन पार्ट्स वगैरह है, ये देख के आप लोग ताज्जुब हो जाएंगे कि हम लोगों का आम आदमी का दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा, इतने सारे पार्ट्स आपको यहाँ दिखाई देगा और इतना क्रिटिकल है। इसका देखिए ये बैटरी सेशन है, यहाँ सबमरीन के जो बैटरीज वगैरह यहाँ सेटिंग किया जाता था। आपको डाइनिंग हॉल, यहाँ ये लोग बैठ के खाना खाते थे, डाइनिंग टेबल सब कुछ है। दोस्त यहाँ अंडरग्राउंड में जाने के लिए भी देखिए होल बना हुआ है, इसके नीचे सीढ़ी लगा हुआ है। ये रेस्टिंग एरिया जो पहले मैं बता रहा था, छोटा छोटा केबिन बना हुआ है, देखिए यहाँ लिखा है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इंजीनियर्स के लिए है।
जो हाइट्स है ये 6 फुट से भी कम है, ताकि देखिए सीट पे चलते चलते टच हो रहा है, तो इसको भी ध्यान रखना पड़ता है। दोस्त अब वॉश बेसिन एरिया टॉयलेट पार्ट भी बहुत कम स्पेस में है। अब यहाँ से आउट गेट है, बाहर से भी नज़ारा बहुत ही सुंदर है। हालांकि हम लोग इवनिंग टाइम में गया था तो दूर का कुछ भी दृश्य आप देख नहीं पा रहे हैं, हालांकि ये समुंदर का सीन है। तो लाइट में आप लोगों को ये गार्डन का या पार्क का थोड़ा हिस्सा आपको देख पा रहे होंगे, बहुत ही शानदार है, अमेजिंग है। तो लास्ट तक जो लोग हमारा इस एपिसोड को देखें सबको बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट्स जरूर करिए।